अब हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं। देखिए मेरे पास टोटल पांच तरह के इलेक्ट्रोड यहां पर है। एक इलेक्ट्रोड हालांकि मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, जैसे मेटल को मेटल आयन के साथ प्लेस किया गया था, लेकिन उसे दोबारा रिपीट कर देता हूं। टोटल जितने भी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है उसकी कैटेगरी के अंदर कैटेगरी वाइज समझाऊं तो जो भी अगर रिपीट भी हुए हैं तो भी बता देता हूं। देखिएगा, सबसे पहले है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक जिंक मेटल है तो एक मेटल हुआ, अगर वो मेटल कनेक्शन में है किसके साथ, अपने ही आयन के साथ, अगर कनेक्शन में है तो मतलब मेटल मेटल आयन के साथ अगर कनेक्शन में है तो ऐसे केस में ये एक इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर सकता है। एंड दैट इलेक्ट्रोड इज द मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो देखिए तो ऐसे केस में मैंने रिएक्शन भी आपको बात कही। तो हम जो इस इलेक्ट्रोड का जो जिक्र हम कर रहे थे तो ऑलवेज आपको जो पोटेंशियल की वैल्यू लेनी है वो क्या रखनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की। और इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, माइनस की 0.76 वोल्ट। ये लास्ट लेक्चर में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। और आपको किसी भी इलेक्ट्रोड की सेल रिएक्शन बनानी है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देख के। जैसे देखिए इसकी इलेक्ट्रोड सेल रिएक्शन क्या हुई, इस इलेक्ट्रोड की रिएक्शन क्या हुई। देखिए मतलब जिंक आयन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक मेटल में बदलेगा। ये देखिए तो ये क्या हुआ, इसकी रिएक्शन हुई। तो यहां रिडक्शन में लिखने का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि ऑलवेज जब भी आप किसी इलेक्ट्रोड को यूज करोगे तो उसके रिडक्शन की ही रिएक्शन आपने लिखनी है, नहीं। वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि वो इलेक्ट्रोड दूसरे किसी इलेक्ट्रोड के साथ आया। अगर दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर कर लीजिए तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो तो कैथोड का काम करेगा और दूसरा एनोड का काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रोड मान लीजिए जब कैथोड की तरह काम कर रहा होगा तो क्या है, तब तो ये रिएक्शन होगी। अगर वो एनोड की तरह काम कर रहा होगा तो जिंक होगा, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या होगा, जिंक आयन में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोड जितने भी हैं वो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। मतलब अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो सकती है तो उसी वक्त उसमें रिडक्शन भी पॉसिबल है। वो डिपेंड किस पे करेगा कि वो इलेक्ट्रोड दूसरे किस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्शन में है। तो कोई भी इलेक्ट्रोड खुद ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा। वो डिपेंड होगा कि वो किसके साथ आया है, मतलब जो सेल बनी है उसमें इस इलेक्ट्रोड को किस दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्शन में रखा गया है। अगर मान लीजिए कोई मेटल ऐसा है जिसके रिड्यूस होने की एबिलिटी जिसके साथ रखा गया उससे ज्यादा है तो वो रिड्यूस होगा। अगर मान लीजिए कि जिसको रखा गया, जो दूसरा रखा गया, वो ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है तो उसको खुद को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो यहां डिसाइड ये होगा कि कोई मेटल कब ऑक्सीडाइज होगा, कब रिड्यूस होगा, वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि वो ऑक्सीडेशन किसी भी इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, यहां जिन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोड कैसे हैं, वो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। मतलब वो ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं और वो रिडक्शन भी कर सकते हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप रिवर्सिबल सेल और इरिवर्सिबल सेल की बात कीजिए। ये वो सेल है जिसको आप रिवर्स भी कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए वो नॉर्मल काम कर रही है, उसका पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है तो क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन कर रही है तो सेल काम कर रही है। लेकिन मान लीजिए तो वो डिस्चार्ज हो रही है। मान लीजिए आपने बाहर से क्या किया, उसको इलेक्ट्रोड फील्ड दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके आपने उसकी रिवर्स रिएक्शन करवा दी, जैसे आज नॉर्मली हर एक बैटरी के अंदर हो रहा है। जो बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रही है इसका मतलब तो क्या है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है सारी की सारी उसकी। तो वो डिस्चार्ज होने वाली रिएक्शन उसकी क्या है, फॉरवर्ड अगर हो रही है तो वो एक तरह की रिएक्शन हुई। बाहर से आपने फील्ड नहीं लगाया, लेकिन आपने बाहर से क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी दे के एक्सटर्नल फील्ड आपने उससे ज्यादा कर दिया, उसके ईएमएफ से ज्यादा कर दिया। तो ऐसे केस में क्या हुआ, वो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हुई और वो दोबारा से रिचार्ज होना स्टार्ट हुई। तो जो डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है अगर वो फॉरवर्ड है तो रिचार्जिंग की रिएक्शन उसकी क्या है, वो बैकवर्ड है सारी की सारी। तो ऐसी सेल जो क्या हो, उसके सेकेंडरी सेल का काम कर रही है, इट मीन्स वो क्या हो रही है, रिचार्ज भी हो सकती है, डिस्चार्ज भी, दोनों तरह की रिएक्शन अगर शो कर सकती है तो ऐसे रिएक्शन क्या है, जिसमें ऐसे रिएक्शन को सेकेंडरी सेल या फिर मैं यूं कहूं कि रिवर्सिबल सेल का नाम दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया जाता है। तो यहां जो मैं बात कर रहा था मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड की, तो मेटल को उसके आयन के साथ कनेक्शन में कर रखा है। बड़ा सिंपल सा, आप सिर्फ वर्ड पे जाइए, देखिए सारा चीज बड़ा सिंपल आसान हो जाएगी। देखिए कैसे, मैंने कहा मेटल तो ये मेटल हुआ, मेटल आयन तो ये मेटल का आयन हुआ। तो कनेक्शन आपको किसको करना है, आपको क्या बात कर रहे हो, मतलब क्या है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में वो सॉल्यूशन है किसी का, किसके आयन का है। जैसे मान लीजिए कि ये Zn2 पॉजिटिव आयन का सॉल्यूशन है और आपने इसमें एक इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, वो कौन है, जिंक रोड।
तो एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज द मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ये कैसे रिएक्शन करेगा वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि किसके साथ अटैच होगा वो डिसाइड करेगा। लेकिन हम हर एक में, क्योंकि जनरली हम रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल के केस में रिडक्शन वाली रिएक्शन हमने लिख दी। ये भी बात कर चुका हूं कि इसके ऊपर नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना, तो इसकी नर्नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी कि एट एनी कंडीशन अगर आपको लेना होता तो ये एट एनी कंडीशन देखिए इसका पोटेंशियल किसके बराबर हो जाता, इसके रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड के बराबर माइनस 2.303 आरटी अपॉन एनएफ लोग इसका। ये कौन हुआ, ये तो हुआ वन। वन क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है और आयन की कंसंट्रेशन क्या हुई, जेड एन टू पॉजिटिव। देखिए तो जो भी इसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी होती वो आप यहां प्लेस कर दीजिए और क्या कर सकते हो, आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसो को रिप्रेजेंट करना मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहले आपको क्या लिखना है, पहले आपको मेटल मेटल आयन और मेटल आयन के बीच में उसकी कंसंट्रेशन। तो ये क्या चीज है, ये एक इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये तो तब है जब ऑक्सीडेशन की तरह यूज हो रहा हो और रिडक्शन की तरह यूज हो रहा हो, तो जिंक आप जैसे जिंक को पहले लिख दीजिएगा और मेटल को बाद में लिख दीजिएगा। ओके, तो ये था मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अब मैं बात करता हूं मेटल अमलगम और मेटल आयन इलेक्ट्रोड। देखिए पहले वाला जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड आप ऐसे मेटल के लिए यूज कर सकते हो जो हाईली रिएक्टिव नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास सोडियम मेटल है, आपके पास पोटासियम मेटल है, क्या आप उनको ऐसे सॉल्यूशन के तौर पे मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बना सकते हो क्या? हम जनरली जो भी सॉल्यूशन तैयार करते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। जब एक्वस सॉल्यूशन है मतलब वहां पानी है, और आपके पास जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है। सपोज कर लीजिए आपने सोडियम यूज कर रखा है, तो सोडियम को जब एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप डिप कर देते हैं तो भैया मेटल और जो पानी है वो जैसे ही रिएक्ट करेगा वहां तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने से वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड की तरह यूज नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में उस मेटल की एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से, मतलब जो एक्टिव मेटल है, आप सोडियम पोटासियम इनकी बात करें, जो एक्टिव मैग्नीशियम इनकी बात करें, तो ऐसे केस में मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड जो है वो ज्यादा फिजिबल नहीं होता, और हमें क्या करना पड़ता है, उस मेटल की एक्टिविटी को कम करना पड़ता है। तो इसके केस में हम क्या कर देते हैं, मेटल को मरकरी के साथ, जैसे मान लीजिए यही जिंक होता और जिंक के ऊपर हमने क्या कर दिया होता, मरकरी का पेस्ट लगा दिया होता। ये देखिए ये मरकरी पेस्ट है, तो मेटल देखिए क्या हुआ, मेटल तो अब डायरेक्ट जो सॉल्यूशन है उसके कॉन्टेक्ट में नहीं रहा ना, इसलिए उसकी एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे केस में एक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल को उसके अमलगम के साथ लेते हैं। जैसे यही चीज थी, अगर जिंक था तो Zn2 पॉजिटिव जो था वो क्या कर देता, वो Zn2 पॉजिटिव जो था वहां मरकरी पहले से ही मेरे पास प्रेजेंट था देखो, और वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करता तो किसमें बदल जाता, Zn मरकरी का पेस्ट। तो ये इलेक्ट्रोड क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यही ना कि Zn की बजाय तो क्या हुआ, Zn Mg हो गया ना, HG मरकरी। तो जिंक अमलगम हो गया, और जिंक अमलगम किसके साथ कनेक्ट में है, जिंक आयन के साथ कनेक्ट में है। तो ये जो चीज होगी वो क्या होगी, वो हो जाता हमारे पास मेटल अमलगम और मेटल आयन इलेक्ट्रोड। इसमें कोई खासा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मरकरी का है और कोई नहीं, और वो एक्टिव मेटल के केस में जो है ये यूज नहीं कर सकते, आप ये कर लीजिए। ओके, अब मेरे पास तीसरा जो टाइप है वो है मेटल मेटल इनसोल्यूबल साल्ट और उस साल्ट का एनायन। इसका एग्जांपल आप कैलोमल इलेक्ट्रोड को लीजिए, क्योंकि कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है बाय नेम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपके पास क्या है, मेटल, सपोज करो मेटल मेरे पास है मरकरी, मेटल मेटल के इनसोल्यूबल साल्ट, और इनसोल्यूबल साल्ट है मरकरी का मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2, और वो किसके साथ कनेक्ट में है, इसका एनायन Cl, इसका मतलब इसका कोई इलेक्ट्रोलाइट दैट इज KCl। तो ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड क्या हुआ, ये मेटल, ये मरकरी रहा, मेटल का इनसोल्यूबल साल्ट मर्क्यूरस क्लोराइड, उसी मेटल का साल्ट हुआ ना। ओके, और इस साल्ट के अंदर एनायन क्लोराइड, तो ये क्लोराइड का उसका एनायन का इलेक्ट्रोलाइट, एनायन इसमें क्या था, Cl, तो Cl का इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्या ले लिया, KCl। तो ये क्या चीज बनी, ये बनी मेटल मेटल इनसोल्यूबल साल्ट और उसके एनायन का इलेक्ट्रोलाइट। आप इसको यूं देखिए, मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कंटेनर है, एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब में मेरे पास सबसे पहले क्या चीज है, मरकरी। तो ये क्या चीज हुई, मरकरी। देखिए
मरकरी के ऊपर मैंने क्या प्लेस कर दिया, मरकरी का मरकरस साल्ट, ये देखिए दैट इज द साल्ट, इनसोल्यूबल साल्ट। तो ये कौन हुआ, Hg2Cl2। तो मरकरी पहले, मरकरी के बाद मरकरस कल, राइट। और इसके बाद इसमें मैंने क्या चीज डाल दी, इसमें डाल दिया मैंने इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट कौन हो गया, KCl। अब मैंने इनको कनेक्शन करने के लिए क्या कर दिया, इसमें एक प्लेटिनम की वायर डिप कर दी, ये देखिए अब ये सारे कनेक्शन हो गए। इसको मैं एज ए क्या करूं, यूज कर लूंगा इलेक्ट्रोड की तरह, ये देखिए। तो दैट इलेक्ट्रोड इज द मेटल, मेटल इन सोल्यूबल साल्ट एंड एनायन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो ऐसे की सेल रिएक्शन देखिए, इस इलेक्ट्रोड की रिएक्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब मान लीजिए पहले ये एज ए ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव कर रहा होता, तो अगर ये क्या शो करता, अगर ऑक्सीडेशन कर रहा होता तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने वाला कौन है, इनको देखिए, मरकरी मरकरी आयन में बदल सकता है, तो मरकरी एचजी जो कि सोलिड है वो किस में बदले, इलेक्ट्रॉन छोड़ के एचजी टू टू प्लस में। कैसे, इसको इसमें बदल सकते हो ना, आपके पास जो है आप सिर्फ उनको एक्सचेंज कर सकते हो। तो मरकरी आपके पास है यहां और यहां मरकरस आयन आपके पास है, तो इसमें क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, ये देखिए। तो ये रिएक्शन क्या हुई आपके पास, ये इसकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हुई। ओके, और ये जो मरकरस आयन बना वो इलेक्ट्रोलाइट का क्या करेगा, सीएल गेन करेगा और मरकरस क्लोराइड में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मरकरी मरकरस आयन में बदल सकती है। ओके, पर ये जरूरी तो नहीं कि ऑलवेज ही ऑक्सीडेशन के तौर पर यूज होगा, कभी तो रिडक्शन के तौर पर भी यूज हो सकता है ना ये। तो अगर हो सकता है तो मान लीजिए कि रिडक्शन के तौर पर यूज होता, ऐसे कि इसमें जो मर्क्यूरिक आयन है, सॉरी मर्क्यूरस आयन है Hg2 पॉजिटिव, ये कहां से लिया आपने, इससे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके क्या बना देगा, मर्क्यूरी बना देगा ना, ये देखिए। तो ये क्या हुआ, तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन एक दूसरे के रिवर्स ही तो है, तो ये एक तरह का क्या है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड हुआ ना, कि आप ये रिएक्शन पॉसिबल है तो इसकी रिवर्स रिएक्शन भी तो पॉसिबल है। इसका मतलब अगर ये ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव कर सकता है तो ये भैया रिडक्शन की तरह बिहेव भी कर सकता है। तो ये क्या हुआ, एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का एग्जांपल हुआ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नर्नस्ट इक्वेशन आप अप्लाई करनी है, जनरल रिएक्शन हम क्या मानते हैं, जनरल रिएक्शन तो हम मानते हैं ना इसकी रिडक्शन की। तो ये मान लीजिए हमारे पास इसकी रिडक्शन की रिएक्शन है, अब अगर मैं इस पर नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई करूं, देखिए नर्नस्ट इक्वेशन, इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब मतलब इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Hg2 पॉजिटिव से कन्वर्ट होना किसमें, Hg में, ये किसके इक्वल आएगा, इसका जो स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस वही 2.303 RT अपॉन में n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज हेयर 2, तो ये वैल्यू तो मेरे पास क्या हो जाएगी 2, ये सारी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, ठीक है, इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये तो मरकरी हुई, तो मरकरी तो वेल हमारे पास वन हो गया, मरकरी साइन जो है उनके साल्ट जो दिया था उसकी कंसंट्रेशन ले लेता, तो यहां वो पुट करके मैं क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज मेरे पास क्या हुई, ये हुई मेरे पास इलेक्ट्रोड के टाइप। तो ये है कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या चीज होती है और इसके ऊपर आप कैसे नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे, कैसे इसकी सेल की रिएक्शन लिखोगे, क्या ये होता है, किस टाइप का होता है, ये सारी रिएक्शन आपको बनानी आनी चाहिए, नर्नस्ट इक्वेशन आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है कि पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस, उसमें आपको ये सारी की सारी रिएक्शन रिवाइज करनी पड़ेगी, सारी रिपीट। पहले आप इनको आज अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि यही रिएक्शन वहां अप्लाई होने वाली है। ओके, तो देखिए, तो ये था तीन टाइप के इलेक्ट्रोड, और अब मैं चौथे और पांचवें जो दो टाइप के इलेक्ट्रोड, एक गैस इलेक्ट्रोड और एक जो ग्लास इलेक्ट्रोड है, उनको डिस्कस करने जा रहा हूं, आप देखिएगा। नेक्स्ट मेरे पास है गैस इलेक्ट्रोड, चौथा टाइप क्या हुआ, गैस इलेक्ट्रोड। इसमें कोई भी गैस हो सकती है, मैं एक हाइड्रोजन गैस का एग्जांपल लेके चलता हूं,
हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, और वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन पर, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसका जिक्र करता हूं। ओके, देखिए आपके पास क्या है, एक ग्लास ट्यूब है, एक नैरो ग्लास ट्यूब है, इसमें आपने बॉटम में मरकरी फिलअप कर रखी है, इसमें से प्लेटिनम की वायर को आपने इंसर्ट कर रखा, ये देखिए, और इसके साथ अटैच है एक प्लेटिनम की फॉइल, और इस प्लेटिनम की फॉइल के ऊपर प्लेटिनम भी कोटेड है, मतलब फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। इस सारी ग्लास ट्यूब को आपने फिलअप कर रखा है एक बड़ी ग्लास ट्यूब के अंदर, ये देखिए, और इस सारे सेटअप को आपने प्लेस कर रखा है एक कंटेनर में, और इस कंटेनर में आपने एक सॉल्यूशन ले रखा है, दैट सॉल्यूशन इज द HCl सॉल्यूशन, और जिस HCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपके पास 1 मोलर है, यहां आपके पास एक इनलेट है जिससे आप हाइड्रोजन गैस जो है वो पास करवा रहे हैं, और उस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर जो है वो 1 बार या 1 एटमोस्फियर है। अब देखिए क्या हुआ, आपने इसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखा है, ओके, ये पूरा सेटअप, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों तरह से काम, ये भी एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, दोनों तरह से काम कर सकता है। कैसे, मान लीजिए कि पहला केस नंबर 1 कि व्हेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एन एनोड, मान लीजिए पहले वो कैसे काम कर रहा है, एज एनोड की तरह काम कर रहा है, तो अगर वो एनोड की तरह काम कर रहा है तो वो क्या शो करेगा, ऑलवेज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला इसमें है कौन, इसमें तो H पॉजिटिव आयन थे सॉल्यूशन में, और ये है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन में कनेक्शन किसका है, लॉस करके क्या बन सकता है, तो H2 गैस इलेक्ट्रॉन लॉस करके H पॉजिटिव में बदल सकती है। ओवरऑल मैं क्या कहूं कि हाइड्रोजन गैस जो है, ये देखिए, ये लीजिए, हाइड्रोजन गैस ये लीजिए, अगर वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो H पॉजिटिव में बदल जाएगी जो सॉल्यूशन है, ये देखिए, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हुई ना। अच्छा, आपको कैसे पता लग गया ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस तो कंज्यूम होगी ना वक्त के साथ, तो अगर हाइड्रोजन गैस कंज्यूम होगी तो हाइड्रोजन का प्रेशर क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा, या तो ये देख लीजिए, या हाइड्रोजन गैस H पॉजिटिव बना देगी, तो H पॉजिटिव अगर सॉल्यूशन में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर H पॉजिटिव राइज होगा तो pH क्या होगी, कम हो जाएगी, तो आप सॉल्यूशन की pH चेक कर लीजिए टाइम के साथ, अगर pH घट रही है तो आप समझ जाइएगा भाई हाइड्रोजन गैस H पॉजिटिव बना रही है, और हाइड्रोजन गैस अगर H पॉजिटिव बना रही है, यहां से एक बात क्लियर है कि क्या हो रहा है, इस सारे के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, अब मान लीजिए मेरे पास सेकेंड केस ये है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड की तरह काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, कैथोड की तरह काम कर रहा है। देखिए कैथोड पे ऑलवेज क्या होना है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे ऑलवेज क्या होना है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे केस में गेन करने वाला कौन है, H पॉजिटिव है ना, तो H पॉजिटिव क्या करे, जो सॉल्यूशन में है क्या करे, वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, और गेन करके किसमें बदल जाए, हाइड्रोजन गैस बना दे। देखिए तो ये इसकी रिडक्शन की रिएक्शन हुई, क्लियर, ये देखिए, तो ऐसे केस में आपको पता कैसे लगेगा कि हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो भैया गैस बनेगी तो सरफेस के ऊपर बबल राइज होंगे ना, आप सीधा इसको देख लीजिए, बस कोई चक्कर ही नहीं है, यहां से आपको पता लग जाएगा कि अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड काम कर रहा है। ओके, चलो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, दोनों तरह से यूज हो सकता है, एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह भी। अब हम बात करते हैं इसकी सेल रिएक्शन की, वो भी साथ के साथ बता चुका हूं, इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 0.00 वोल्ट, ये और ही बेटर बात है,
कैसे यूज कर लीजिए, दूसरे इलेक्ट्रोड का ईएमएफ निकालने में हेल्प कर देगा ये तो, क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा हूं ये, अब मैं बात करता हूं इसी को यूज करते हुए, देखिए कि मुझे कहा कि आप आपको एक इलेक्ट्रोड दे दिया, आप उस इलेक्ट्रोड का यूज करते हो, एक मिनट एक टॉपिक की इसकी रिप्रेजेंटेशन वो बता दूं, फिर उसके बाद चलता हूं। सेल इस इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन इसको डिस्कस करते थे। देखिए अगर मान लीजिए कि एनोड की तरह काम कर रहा है तो आप कैसे यूज करोगे, देखियो एनोड की तरह पहले गैस इसे बदल रही है ना, तो गैस जब भी लिखनी है तो मेटल का सरफेस आपको देना है, मतलब प्लेटिनम सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, प्लेटिनम सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन जो कि गैस है जिसका प्रेशर आपको दिया होगा वो बदल रहा है किसमें, जो बदलने वाली चीज एच पॉजिटिव में, ये देख लीजिए, और एच पॉजिटिव है तो उसके ब्रैकेट में उसकी कंसंट्रेशन ये लीजिए। अगर आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है और एनोड की तरह काम कर रहा है तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, और अगर आपको कैथोड की तरह जैसे ये रहा, अब अगर बात करें तो देखो कौन किस में बदल रहा है, एच पॉजिटिव आयन बदल रहा है ना, तो एच पॉजिटिव आयन ओके जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो कोई कंसंट्रेशन होगी, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा इसकी कंसंट्रेशन, देखिए वो किसमें बदल रहा है, ये देखिए वो बदल रहा है हाइड्रोजन गैस में, ये रहा तो गैस है तो क्या होगा, कोई ना कोई प्रेशर होगा, तो ये हुआ उसका प्रेशर, किसी सरफेस पे तो ये चेंज हो रहा होगा, दैट इज प्लेटिनम, ये रहा जो सॉलिड है, ये देखिए तो ये रिप्रेजेंटेशन किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह यूज हो रहा है तो। आप याद रखिएगा प्लेटिनम गैस के साथ आएगा ऑलवेज, ओके। तो अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए कि अब मान लीजिए किसी ने मुझे कहा कि आप हाउ विल यू डिटरमाइन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए इलेक्ट्रोड, आपको कोई इलेक्ट्रोड दे दिया, आप पोटेंशियल निकाल के दिखा दीजिए, तो कैसे, देखिए तो इसकी हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिए, कि सपोज कर लीजिए कि मेरे पास, मुझे किसी ने कह दिया कि आपके पास भाई जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है, और इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल के दिखाइए। अब प्रॉब्लम क्या है, अकेले किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड में तो एक ही रिएक्शन होनी है, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अब देखिए अकेली ना तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल ना रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन आपको पता है कि ऑलवेज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली चलेगी, तो ही रिएक्शन पॉसिबल है। अब मान लीजिए मुझे जिंक की बात करनी है, और मैं सपोज करो ये कह रहा हूं कि जिंक एज ए ऑक्सीडेशन यूज हो रहा है, तो भैया जब जिंक ऑक्सीडेशन यूज हो रहा है उस वक्त कहीं तो कोई रिडक्शन चल रही है ना, तो कोई तो दूसरा इलेक्ट्रोड इसका मतलब उसके साथ कनेक्शन में है, उसमें रिडक्शन चल रही है, तो और आपके पास डिवाइस जो है वो सिर्फ दोनों का डिफरेंस बता सकता है, तो ऐसे केस में आप किसी एक इलेक्ट्रोड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, सोच के देखिए। सपोज करिए कि मैं कहूं कि किसी दो चीजों का डिफरेंस बता सकता हूं मैं, और आपको किसी एक की वैल्यू बतानी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, पर ऐसा पॉसिबल है, आपको दो चीजों का डिफरेंस दे दे और कोई बंदा कह दे एक चीज जीरो है, तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वही तो दूसरे की वैल्यू है, तो पॉसिबल है। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत बेटर है किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए। कैसे, देखिए मान लीजिए आपको जिंक इलेक्ट्रोड दे दिया और कहा इसका पोटेंशियल निकाल के दिखा दीजिए, ये लो जी। तो मैंने क्या किया, एक पहले जिंक इलेक्ट्रोड तैयार कर लिया, ये लो जी, और इसे कनेक्ट कर दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, ये देखिए, ठीक है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया वोल्टमीटर के साथ, और इसमें लगा दिया साल्ट वरीज, ये लीजिए। अब देखिए सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को चेक करना कि उसमें क्या हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले जैसे जिंक के साथ कनेक्ट किया तो भैया वहां पे गैस निकलनी स्टार्ट होगी, बबल सराइज होनी स्टार्ट होगी, देखिए बबल सराइज होने का मतलब कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैसे काम कर रहा है, एक्ट एज कैथोड, वो कैसे काम कर रहा है वो कैथोड। अब भैया ये कैथोड काम कर रहा है तो कंफर्म हो गया कि जिंक इलेक्ट्रोड जो था वो अब एनोड की तरह काम कर रहा है,
ये तो क्लियर हो गया। जब जिंक कैनोड की तरह काम कर रहा है, ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, छोड़िए कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इतना कन्फर्म है। हमें जो डिफरेंस है, सेल रिएक्शन पे नहीं जा रहा एक बार, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये तो बता रहा है भाई, डिफरेंस तो बता देगा ना दोनों के बीच में, और वोल्ट मीटर आपको रीडिंग दे देगा प्लस में 0.76। अब देखिए सेल सेटअप होगी, सेल का ई सेल पता है, और वो ऑलवेज क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। और इस बार कैथोड कौन है, कैथोड है आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और एनोड आपके पास कौन है, जिंक इलेक्ट्रोड। देखिए कैथोड आपके पास हाइड्रोजन, ये देखिए एनोड कौन है, जिंक। क्लियर। और ये वैल्यू आपके पास है, ये कितनी है, ये सपोज 0.76 है, और इसकी वैल्यू आपको पता है ये कितनी है, जीरो। तो ये आगे कि नहीं आगी, तो इसका मतलब ई नोट जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक इज इक्वल टू माइनस का 0.76। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट आप कर सकते हो, किसकी हेल्प से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से। ओके, तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने हर एक मेटल का क्या किया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया, सबकी वैल्यू आ गई, उनको अरेंज कर दिया, और उनकी अरेंजमेंट के बाद बना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके सिलेबस में, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सिलेबस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, और उसकी उसके न्यूमेरिकल जो इसकी एप्लीकेशन है वो भी आपके सिलेबस में, उसको हम जो अलग लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आज बात चल रही थी कितने टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोड की बात करूँ उसमें मैंने चार टाइप के इलेक्ट्रोड डिस्कस कर चुका हूँ, और अब जो पांचवा इलेक्ट्रोड मेरे पास है दैट इज द ग्लास इलेक्ट्रोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द ग्लास इलेक्ट्रोड। देखिए नेक्स्ट जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है दैट इज ग्लास इलेक्ट्रोड। देखिए इसमें क्या होता है, आपके पास एक बहुत ही थिन ग्लास का एक बल्ब है। देखिए मान लीजिए ये मेरे पास क्या चीज है, एक बल्ब है, ये देखिए, और ये मैंने इसका इस बल्ब की ट्यूब, तो ये जो ग्लास है ना, ये ग्लास देखिए, हम बात कर रहे हैं इसकी, इसकी क्या खास बात है, ये सेल सेटअप कर सकता है इसके अंदर के आयन और बाहर के आयन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से, जो यहां सेल सेटअप हो सकती है। देखिए कैसे, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, ये तो डायरेक्ट यूज हो जाएगा ना, आपको कोई दूसरे इलेक्ट्रोड की कहां जरूरत है, एक तो इलेक्ट्रोड खुद है, दूसरा बाहर का जो सेल है उसी की कंसंट्रेशन इसके साथ वेरिएशन के से क्या हो जाएगा, सेल सेटअप हो जाएगी। देखिए क्या होता है, ये आपके पास ग्लास है, ग्लास किसके साथ कनेक्ट है, ग्लास के अंदर भरा हुआ एक सॉल्यूशन, ये देखिए, और वो सॉल्यूशन किस चीज का, HCl का, मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें H पॉजिटिव आए, ये देखिए। ओके, और इसमें आपने एक प्लेटिनम की सिल्वर की वायर इंसर्ट कर रखी है, ये रही, और सिल्वर क्लोराइड के साथ फॉइल के ऊपर सिल्वर क्लोराइड की, ये देखो प्लेटिन, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर है, और बाहर एच पॉजिटिव है, और ये ग्लास है। तो ऐसा जो इलेक्ट्रोड है, ये देखिए, ऐसा जो ये कनेक्टिंग वायर होगी, ऐसा इलेक्ट्रोड क्या होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड होता है। इसकी क्या खास बात है, देखिए मान लीजिए इसके अंदर एच पॉजिटिव है, और मैं बाहर एक सॉल्यूशन ले लूं, जिस सॉल्यूशन में मान लीजिए मैंने सपोज करो कोई एक सॉल्यूशन ले रखा है, उसके पास भी कोई आयन है, मान लीजिए मुझे एच पॉजिटिव है, कोई एसिडी ले रखा है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन और इसकी तो अलग अलग है, ये देखो दोनों आयन, अंदर जो आयन है वो और बाहर जो आयन है उनके बीच में वो आपस में क्या हुआ, वो सेपरेट हो गया बाय द ग्लास इलेक्ट्रोड, और वहां उनके बीच में सेल सेटअप होगी। देखिए तो ये एज ए इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज हो सकता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या रिप्रेजेंटेशन है, सिल्वर जो है वो किसके साथ कनेक्ट में है, सिल्वर क्लोराइड के, सिल्वर किसके साथ कनेक्ट में है, सिल्वर क्लोराइड के, वो किसके साथ, देखो सिल्वर कनेक्ट है सिल्वर क्लोराइड के, सिल्वर क्लोराइड एच पॉजिटिव के, ये देखिए, और H पॉजिटिव है किसके साथ, ग्लास के,
ये इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है? इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये था ग्लास इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड और मैं बताई देता हूं आपको, एक और इलेक्ट्रोड है जिसको हम बोलते हैं रेडोक्स इलेक्ट्रोड। ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका भी एक टाइप क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका भी यूज आप पीएच कैलकुलेट करने के लिए करोगे, इसीलिए मैं एक टाइप और बता देता हूं, दैट इज द क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ये क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड एक एग्जांपल है, किस चीज का एग्जांपल है, दैट इज दिस इज द एग्जांपल ऑफ, किस चीज का एग्जांपल है, ये है रेडोक्स इलेक्ट्रोड का। कैटेगरी को क्या बोलते हैं, कैटेगरी इज द रेडोक्स इलेक्ट्रोड। तो रेडोक्स इलेक्ट्रोड क्या है, एक ही देखो एक सॉल्यूशन है जिसमें दो एक ही चीज के दो फॉर्म है, कहने का मतलब जैसे मान लो Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, मान लीजिए फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट, फेरस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड दो है, मर्क्यूरस साल्ट मर्क्यूरिक साल्ट दो है, स्टेनस स्टेनस 2 पॉजिटिव स्टेनस 4 पॉजिटिव, एक ही मेटल की दो ऑक्सीडेशन स्टेट के साल्ट आपके पास। देखिए आपने क्या किया, किसी कंटेनर के अंदर दोनों का सॉल्यूशन बना लिया, दो सॉल्यूशन इसके अंदर है, इसका मतलब Fe2 पॉजिटिव का भी है और Fe3 पॉजिटिव का भी, और आपने उसके अंदर क्या कर दिया, कनेक्शन कर दिया, ये लो जी प्लेटिनम वायर से कनेक्शन आपने कर दिया, ये लो, और वो एज इलेक्ट्रोड यूज करके। क्या खास बात है इसकी, ये है भैया देखो, अगर तो ऑक्सीडेशन करना चाहता है तो Fe2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, Fe3 पॉजिटिव में बदल जाएगा, और तो क्या हुआ, तो ऑक्सीडेशन होगी देखो, और रिडक्शन करना चाहता है तो वही Fe3 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में बदल जाएगा, Fe2 पॉजिटिव में, ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो दोनों ही रिएक्शन हो सकती है ना, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सकती है, तो दैट इज द इलेक्ट्रो दैट इज द रेडोक्स इलेक्ट्रोड। तो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड इसका एक बहुत बेटर एग्जांपल है, कैसे देखिए, मेरे पास क्विनोन है, दैट इज क्विनोन, ये देखिए ये क्या चीज है, क्विनोन है, आप इसको एच पॉजिटिव सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में रखिए, और रिडक्शन की रिएक्शन लिख रहा हूं सिर्फ, तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ, देखिए ये कन्वर्ट हुआ हाइड्रोकिनोन में, जो कीटोनिक ग्रुप था हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब एल्कोली ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, दैट इज बिकम OH, दैट इज आल्सो बिकम OH, ये क्या चीज है, दैट इज द हाइड्रोकिनोन, हाइड्रो क्योंकि हाइड्रोजन लग चुका है, हाइड्रोकिनोन, ये देखिए इसको किनोन तो इसको हाइड्रोकिनोन कहो, ये देखिए, तो ये भी तो आपस में क्या है, अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दे देखो तो एच पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे, ये किनोन में बदल जाएगा, तो ये भी तो क्या हुआ, एक तरह का इलेक्ट्रोड हो गया ना। तो ऐसे भी मतलब आपके सेम ये स्टेज होगी ना, तो किनोन और हाइड्रोकिनोन दोनों इसमें डाल दीजिए सेम, और बार जो सोल्यूशन है वो किसका ले लीजिए, कोई एच पॉजिटिव का ना, कोई एसिड का, तो ऐसे करते ये भी एज क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोड की तरह आप यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब इसकी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करूं तो किनोन जो है वो किसके साथ कनेक्ट में है, वो किसे बदल रहा है, हाइड्रोकिनोन में बदल रहा है ना, और चाहिए क्या, एच पॉजिटिव चाहिए बस। तो ये क्या था, ये एक और टाइप का इलेक्ट्रोड जो रेडोक्स इलेक्ट्रोड। तो ये थे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, और इन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड का यूज आपने पीएच कैलकुलेशन के अंदर करना है, तो इसको हम आगे जस्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे जो अगले लेक्चर के अंदर होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।